Hello everyone, welcome to my channel. I am Rimi Dogra, solutionist, numerologist and astrologer. आज मैं आप लोगों को शादी जल्दी होने के उपाय इस वीडियो में बताने वाली हूँ. फर्स्ट पार्ट, शादी जल्दी होने के उपाय, मैं ऑलरेडी एक 3 to 6 month पहले बता चुकी हूँ. अगर आपको वो देखना होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. अब ये है सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफ़ी बहुत अच्छा गया है. मेरे क्लाइंट्स लोगों ने भी कहा है कि काफ़ी आपने जो उपाय बताए हैं वो काफ़ी उन्होंने अपनी फैमिली में यूज़ करके उनका उन्हें बेनिफिट बहुत अच्छा मिला है. चलिए अभी हम बात करेंगे कि बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि लड़के और लड़कियों की शादी में काफ़ी देरी हो जाती है. यदि हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं या हमारे नेबर्स के घर में शादी हो रही होती है, सहनाई बजती है, घर में मेहमान आते हैं, घर का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, जैसे शादी का माहौल होता है, हमारा मन भी मचल उठता है. हमें लगता है कि हमारे घर में भी वो माहौल कब होगा जिनके घर में यंग लड़के और लड़कियां हैं. लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि उनकी शादी में बहुत देरी हो जाती है और वो जो शादी का माहौल होना चाहिए वो जल्दी उन्हें प्राप्त नहीं होता है. आज मैं आप लोगों को कुछ खास ऐसे उपाय बताऊँगी जिससे उनकी शादी में रुकावट ना आए और जो आप चाहते हो कि आपके घर में जल्दी शादी की सहनाई गुजे वो आपको प्राप्त होगा. यदि घर में लड़के लड़कियां अनमैरिड हैं लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है जिसे शादी नहीं हो पाती है या बहुत लेट हो जाती है. कई जगह तो ऐसे भी होता है कि रिश्ता तय होते होते टूट जाता है. कई बार तो ऐसा भी मेरे पास क्लाइंट आए हैं, उन्होंने कहा है कि रिश्ता तय हो गया, इंगेजमेंट भी हो चुकी है लेकिन इंगेजमेंट तक टूट जाती है. इससे घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है. माता पिता तनावग्रस्त तो होते ही हैं, साथ में जिनकी शादी टूटी है किसी लड़के की या लड़की की, वो अपने आप को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं. सोचते हैं कि हम में ही कुछ कमी है जिसके वजह से ये रिश्ता टूट गया. कई जगह तो ऐसा होता है, माँ बाप तो सीधे, ज़्यादा करके लड़कियों के मामले में ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि लड़की में कुछ दोष है, पूरा दोष लड़की के सर डाल देते हैं कि ज़रूर इसकी कुंडली ठीक नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है. ये अक्सर ऐसा होता है, मैं ऐसा खुद नहीं कहना चाहूँगी लेकिन मेरे पास जैसे क्लाइंट आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा होता है. जैसे माता पिता पंडितों के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी ढोंगी पंडित भी होते हैं कि इतना बहुत सारा पैसा उनसे ले लेते हैं, बोलते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, तो उसकी वजह से माता पिता के काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं और मैरिज ब्यूरो में भी उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं. काफ़ी मामले में ऐसा देखा गया है कि पैसे खर्च करने के बावजूद भी उनकी शादी तय नहीं हो पाती है. तो ऐसे में आपको जो छोटे छोटे उपाय बताऊँगी उससे भी आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकता है. जो भी मैं आज आपको उपाय बताऊँगी वो आपको श्रद्धापूर्वक करना है और सच्चे मन से करना है. और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने ये उपाय किए, थोड़े दिन किए, फिर आप परेशान हो गए कि चलो रिश्ता नहीं आ रहा है, मुझे अभी नहीं करना है, फिर वो उपाय आपने बीच में ही रोक दिए. फिर थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं चलो उपाय करना चाहिए, अभी हम उपाय करते हैं. ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपको बेनिफिट मिलना है वो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. कोई भी काम करें उसे लगातार करें, लेकिन आपको उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, वो आपको लगातार करना है. मंगल दोष और शनि की महादशा होने से भी शादी में अड़चन आ सकती है. चलिए हम अपनी उपायों की तरफ चलते हैं. माता पिता को क्या करना चाहिए, किसी लड़की की शादी में यदि देरी हो रही है तो उनको ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी अगर आपकी फैमिली में हो रही है या किसी नेबर की या किसी गरीब की, मतलब उनकी शादी में आपको गुप्त दान देना है. गुप्त दान देने के बाद आपको चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए कि मैंने, मतलब उनके घर में लड़की की शादी हो रही थी, मैंने दान दिया, उसका आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा. दान हम किसे कहते हैं, ये हाथ से आपने दान दिया है ये हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसे गुप्त दान कहते हैं, उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. और थर्सडे के दिन येल्लो कपड़े धारण करें और येल्लो चीज़ें खाएँ. येल्लो चीज़ें जैसे चने की दाल, केसर, येल्लो फ्रूट्स, ये आपको थर्सडे के दिन खाना है. और यदि पॉसिबल हो सके तो थर्सडे के दिन आप फास्ट रखें. यदि घर में किसी लड़की की शादी हो रही है और जो लड़का कुंवारा है, शादी लायक है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जिस लड़की की शादी हो रही उसका सहरा,
उस कुंवारे लड़के के सर पर रखेंगे तो योग जल्दी शादी का बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर लड़की शायद किसी लड़की की शादी हो रही है अपनी फैमिली में हो रही है किसी रिश्तेदार में या नेबर्स में, तो ठीक आपको वैसे ही करना है। जो लड़की दुल्हन है उस और जो जिस लड़की की शादी नहीं हुई है दोनों का सर आपस में टकराना है या टच करना है तो उसके शादी के योग जल्दी बन जाएंगे। और अगला उपाय है आपको थर्सडे के दिन रात भर एक लोटे में जल लेना है। जल का पात्र लेकर आपको विष्णु भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने वो पात्र आपको वैसे ही रखना है और ब्रह्म मुहूर्त में आपको वो जल का पात्र लेकर खुले आसमान में जाना है और वो जल में से थोड़ा जल लेकर लड़की अपने मांग में भरेगी और वो आप वैसे ही रिटर्न आकर वो जल का पात्र भगवान जी विष्णु के सामने वैसे ही रखना है। इससे विवाह के योग मजबूत होते हैं। विवाह में देरी से बचने के लिए आपको कभी भी कृष्ण जी, राम जी, शिव जी इन भगवान की उपासना अकेले नहीं करनी चाहिए, जोड़े में करनी चाहिए। जैसे शिव भगवान जी पार्वती जी, राधा जी कृष्ण जी, राम जी सीता जी, आपको जोड़े में ही पूजा करनी है उनकी और उनकी पूजा होने के बाद उनके चरणों को स्पर्श करके अपनी मांग पर लगाना है। इससे योग जल्दी शादी के होंगे। और रोज एक माला आपको श्री कृष्ण की करनी है। एक माला यानी 108, 108 का जप आपको लगातार करना है। यदि आप सब उपाय कर रहे हैं साथ में ये उपाय करेंगे तो आपको इसका जल्दी बेनिफिट मिलेगा। मंडे के दिन आपको दो आटे के पेड़े लेने हैं, जैसे इतने बड़े बड़े आटे के दो पेड़े लेकर उस पर हल्दी लगानी है और वो गाय को खाने को देना है और चने का और गुड़ का भोग गाय को लगाना है। सोमवार के दिन कन्या क्या करेगी, नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाना है, जल से मिला हुआ उसमें जल में दूध डालना है, वो पात्र लेकर जाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक दूध के साथ करोगे मिक्स करके तो आपको ओम सोमेश्वराय नमः का जप करते हुए जल से मिला हुआ दूध अर्पित करना है और वहीं मंदिर में बैठकर 108 की माला, 108 यानी एक माला ओम सोमेश्वराय नमः का जप करना है। वो आपको मंदिर में बैठकर वही करना है। यदि किसी को मांगलिक दोष है तो ऐसे में क्या करेंगे, मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है और हर थर्सडे के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करना है। इससे जो भी योग है विवाह के वो जल्दी प्राप्त होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताए हैं उसमें उपाय आपको 2 से 3 उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आपकी फैमिली में जो भी विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी उनके माता पिता जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं शायद इस वीडियो से प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स फैमिली को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।